हो तो अच्छी बात है। चलें जी, चल मैं ले सुर्खी लगा के मैं तैयार हो जाऊँ। यू नो मी लॉगिंग इज पैशन, मैं खा के इंसान ऐसे टुन हो जाता है। सच से कोई काम नहीं कर रहे उसे जब से गोद में लेके बैठे हुए, उसके तो अपने ही ड्रामे चल जाते हैं। बस चले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए वीलॉग और एक नए दिन के साथ मैं हूँ कंजा। ये जहूब जो ज़बरदस्ती है खड़ा हुआ है, इस वजह से मेरे हाथ जो है ना वो हिल रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल कंजा का आशियाना। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग 30% ठीक हो गए हैं और 70% जो है ना वो अभी थोड़े थोड़े बीमार हैं। बॉडी एक जो है वो अभी टेंशन चढ़ रही है और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। ऐसे लग रहा होगा लेकिन कहीं जा नहीं रही हूँ, बस सर्दी की वजह मैंने ज़रा शवर सूल उठ ली है। बाकी जी सबसे पहले जिसने मेरे पिछले वीलॉग्स नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाके देख लें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, बेल के आइकन का बटन दबा दें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लें। तो बाकी जी आज की जो सूरत हाल रही, क्योंकि अभी शाम हो गई है, वो कुछ इस तरीके से रही कि सुबह उठ के मेरा मूड हो रहा था कि मैं ना ज़रा शावर शुवर ले लूँ ताकि थोड़ी ना फ्रेश हो जाऊँ। लेकिन सुबह उठी उफल्ला, मतलब इतनी सर्दी चढ़ रही थी, इतनी सर्दी चढ़ रही थी कि फिर मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। मैं कह रही भाई यार मैं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी कसम से, इतनी कि फालतू की सर्दियाँ हैं ना ये। मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन ये सर्दियाँ जो है ना ला, ये तो ऐसे ऐसे बस बीमारियाँ ही बीमारियाँ। बाकी जी सुबह से मैंने क्या किया क्या नहीं किया, थोड़ी थोड़ी मैं रिकॉर्डिंग करती रही, तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखाती हूँ, फिर हम किचन में चलेंगे, वो देख लें आप, फिर हम किचन में चलेंगे कि मम्मा क्या बना रही है। क्योंकि मैं और जो जहूक थे ना वो मेडिसिन खा के सो गए थे, नींद की दवाई, और जहूक तो कह रहे थे सुलाई जाओ सुलाई जाओ, कब से सो ही जा रहा है ये भी। तो बस हम लोग, क्योंकि उन्होंने भी दवाई पी है, मताफ भी सो रहा है, मताफ थोड़ा बेहतर है लेकिन उसका बुखार अभी है उसको ना बेटा ना हिलाओ। तो बस ये सारी सूरत हाल रही है हमारी। तो चलें आज के वीलॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं, लाइक का बटन लास्ट में दबा दिएगा, शेयर भी कर दिएगा। तो चलें पिछले सुबह को चलते हैं और अपने वीलॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोग नाश्ता करने बैठे क्योंकि आज हमारा घर शदीद किस्म का फैला हुआ था। तो हुक्का मैंने तैयार कर दिया था और ये मताफ साहब ऐसे ही फिर रहे थे, खेल रहे थे। तो जी आज जो है ना ये देखें, ये अपनी तबीयत ख़राब है और इसका है कि गोद में ले लो बस। उसको मैंने तैयार शार कर दिया था, ये रह गया, इसको भी करती हूँ, नहलाना है नहीं लेकिन कपड़े शपड़े चेंज कराती हूँ। अभी कमरा वगैरह साफ़ करी थी, लाइट आई है अभी, और ये कपड़े देखें, ये वो, ये सारे कपड़े जो है ना हमारे वॉश्ड हैं, लेकिन तबीयतों ख़राब होने की वजह से ये तय नहीं हो पा रहे, ये अभी फैलनी है। सारी सॉक्स हैं, ये कपड़े ये भी तय होने हैं, ये कपड़े बच्चों के हम सोच रहे हैं कहाँ टांगे क्योंकि सूख ही नहीं रहे हैं, तो हम किचन में ही सोच रहे हैं। पापा ऊपर टांग दे, बहुत ऊपर चला गया नहीं चाहे टांग देना, कुछ नहीं कुछ नहीं होता, अच्छी बात है। चलें जी, चल मैं ले आऊँगा ऊपर से। चलें जी, ये हम लोगों ने हैंग कर दिए, बच्चों के कपड़े बहुत ज़रूरी हैं, बहुत धुल रहे हैं, अल्लाह इतने कपड़े बच्चों के हैं ना कि बस। जी बेटा। A few moments later. बालों की इतनी भी बुरी हालत हो गई दवाइयाँ खा खा के, इसमें देखें स्किन वो जल जल गई है, इतनी कोई हाथ भी लगाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। जब से मरी मरी शक्ल आ रही है घरे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा सुर्खी लगा के मैं तैयार हो जाऊँ। यू नो वी लॉगिंग इज पैशन, पैशन बन गया।
कुसाद ही फैशन बन गया इंसान, तबीयत भी ख़राब हो तो। लेकिन यूँ है कि थोड़ा इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अब ज़रा सर्दी नहीं चढ़ेगी तो ज़रा थुलिया भी थोड़ा दुरुस्त आएगा, इसीलिए लगा लिया मैंने लिपस्टिक। तबीयत तो नहीं थी कि मैंने सोचा कि लगा लूँ। लोशन लगा लिया जाए, हाथ भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, मुँह पर भी लगा लेते हैं। नहीं जी, मैं सुर्खी मेकअप लगा के तैयार हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ बैठने। ये ठीक है, बाकी बातें बैठ के करेंगे, तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो अब मैं खाने लगी हूँ ये दवाइयाँ, इन्हें खा के इंसान ऐसे टुन हो जाता है, होश ही नहीं रहती कोई। ये तीन कीन जाने एडविल पैनाडॉल, और ये कोई मैं तीसरी खुराक, मतलब कि रात से कल दो बार खाई और एक है आज, लेकिन मेरी जो बॉडी है कि ना वो नहीं ख़त्म हो रही। तो बस ये खाते हो पानी निकाला हुआ, ये खाते जो हो कुछ, जैसे मैंने बताया सो गया तो जाके लेटते हैं थोड़ा सा, सोते हैं ताकि थोड़ी तबीयत फ्रेश हो जाए। Much later. तो भाई देखा आप लोगों ने, ये हमारी पूरे दिन की आज की रूटीन रही है। मैं जा रही हूँ किचन में और जो दिल है ना वो यूँ खिंच रहा है दर्द और उसकी वजह से। और क्या मेरा पैशन चेक कर रहे हैं, लेकिन मेरा पैशन व्लॉगिंग के लिए कि मेरी तबीयत ख़राब है तो बस, लेकिन टाइम गुजर जाएगा ना। अच्छा और जी चले मैं किचन में लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसका आपको मैंने कुकर मैंने लगाया, वो देख रहा है ये इतनी देर देख लेता है मेरा गोद में, लेकिन गोद में पकड़ा नहीं जा रहा। तो चले अब मैं किचन में लेके चलती हूँ। चलो ये मम्मा क्या बना रही हैं, मम्मा बना रही हैं घिया चिकन, घिया बना रही है घिया। बहुत दिनों बाद बन रहा है हमारे घर में सब खाते हैं घिया। और साथ मम्मा ने ये अनेक काम किए, अंडे बॉइल किए मम्मा ने, मेरे सर पे कपड़े टंगे हुए हैं। बताओ साहब पापा के पास लेटे हुए उनकी गोद में और कह रहा है कि गोद में लेना है। पापा कह रहे हैं सिर्फ कर लो, मैं कह रहा मैं तो पकड़ नहीं सकती, अब उसको नीचे लिटा दें, उठने दें, थोड़ा जागेगा। बस ये सारी सूरत हाल है। बस अभी हम अंडा शंडा खाएंगे और फिर खाना खाएंगे और फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। ये पापा और जहूब साहब मताफ साहब, मताफ को देखें, ये कह रहा है गोद में लेके बैठे रहा। पापा फुर्सत से कोई काम नहीं कर रहे, उसे जब से गोद में ही लेके बैठे हुए। मताफ उठो, अंडे खा रहे हैं, उठ जाओ उठ जाओ वहाँ पर बाहर। तो उठो मेरा सबुक, इसको अंडा खिलाने लगी। ये खाऊंगी अब। A few moments later. तो अब हम लोग बॉयल्ड अंडे खाने के बाद खाने लगे हैं ये चाय, ये रस। बता वो उधर से हो गया है, बस अब ये खाएंगे। दिल कर रहा था चाय के साथ ना कुछ खाने को, हमने सोचा यही खा लें। सुख अपने रोने में कि मुझे हाथ में रस दे दो, उसके तो अपने ही ड्रामे चल जाते हैं। बस चलें अब खाते हैं रस, और बस रस खाते हैं। Later. इस तरीके से अब जो है ना हम लोग खाने लगे हैं खाना। मताफ माशाल्लाह खैर से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। ये फैज़ और फैज़ के अंडे वो रहा, मताफ फैज़ भी आ गए, अचार ढूंढने गए किचन में अगर मिल जाए उनको तो। बल्कि बहुत दिनों बाद घिया बना है, खाने लगे हैं, अच्छा लगता है हम सबको, हम सब लोग खाते हैं। इसी के साथ मैं भी अपने वीलॉग को यहीं पे एंड करूँगी। जिसने मेरे पिछले वीलॉग्स नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाके देखते, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते, बेल के आइकन का बटन दबा दें और इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो कर लें, जल्दी जल्दी जाएँ देख लें। बाकी ये बात दरअसल ये है कि 1K सब्सक्राइबर्स भी हो गए और तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से ना मैं मतलब नहीं कर सकी, मतलब
पता ही नहीं चल रहा, सबके ज़्यादा दिमाग हुआ है। तो कोई नहीं, अगले वीलॉग में सही, अगले वीलॉग में हम 1K का पूरा अपना करेंगे कि भाई 1K हो गए हमारे, इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। खैर से बस जल्दी जल्दी आप लोग जाएँ और मेरी वीडियोज़ देख लें पिछली। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और शेयर भी कर दें। मेरे बच्चों को तो हमें याद रखें।